अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक टू चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल को। जिस तरह से हमने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को किया था, सेम इसी तरह से अब हम फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, कंपनीज क्यों यूज़ करती हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या फॉर्मूला है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला, तो कहीं मत जाइएगा। बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। फ्री कैश फ्लो मॉडल की मैं बात करूं तो फ्री कैश फ्लो मॉडल इसलिए यूज़ किया जाता है, और ये होता क्या है, देखें जिस तरह से आपको डिविडेंड मिलता है, इसी तरह से आपको कैश फ्लोज भी हर साल के आखिर पे आपको एंड द एंड ऑफ ईयर आपको मिल रहे होते हैं। तो हम फ्री कैश फ्लो मॉडल को इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पर कंपनीज डिस्काउंट नहीं देती, जहाँ पर कंपनी डिविडेंड आपको नहीं देती, और आपको डिविडेंड का नहीं पता है कि डिविडेंड कितना है, और आप कंपनी की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल को यूज़ करके आप कंपनी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। मैं आपको थोड़ा सा और बताता, देखिए एक नया स्टार्टअप है लेकिन आपको नहीं पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसको मर्जर होने वाला होता है या एक्विजिशन होने वाली होती है। मर्जर या एक्विजिशन की सूरत में हमें फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल की जरूरत पड़ेगी। अब फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल को मर्जर में कैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं और किस तरह से हम इसको देख रहे हैं, देखिए जब भी कंपनी है उसका मर्जर होना है और आपको नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, और आपको सिर्फ उसके ना डिविडेंड का पता है ना वो उसके शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो आपको उसके फ्री कैश फ्लोज का पता होगा, वो आपको गिवन होंगे कि इसके साथ आप उस कंपनी की वर्थ को, एंटायर वैल्यू को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, उसके स्टॉक की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं इसको इसकी डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब डिविडेंड नहीं दिया गया होता तब हम इसको यूज़ करते हैं, दूसरा हम इसको एक वाइडली एक्सेप्टेड अप्रोच है जिसको हम इसको यूज़ करते हैं, एंड सेकेंडली जो है वो अगर एक बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसके आपने किसी डिवीजन को या किसी यूनिट को मेजर करना है, सेल करना है, मर्ज करना है, तो आप उसको मेजर करने के लिए अगर आपके पास नहीं कोई भी क्राइटेरिया तो आप फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल से भी उसको मेजर कर सकते हो। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। FCF फ्री कैश फ्लो मॉडल एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ अ इंटायर कंपनी, इसमें इंटायर कंपनी की वैल्यू को अवैल्यूएट किया जाता है बाय फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट इट्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने जो कंपनी के फ्री कैश फ्लोज होते हैं उसको डिस्काउंट करना होता है किस रेट पे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, तो आप कंपनी की इंटायर वैल्यू को फाइंड आउट करते हो। अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमने ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्यों ही डिस्काउंट किया उसको, इसलिए हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपका वेटेड, जिसके अंदर आपका डेट भी शामिल होगा, इक्विटी भी शामिल होगी, उन दोनों का एक वेटेड एवरेज आया होगा, और इंटायर कंपनी की जो वैल्यू होती है उसके अंदर डेट भी शामिल होता है, उसके अंदर इक्विटी भी शामिल होती है, जिसकी वजह से उस कंपनी की इंटायर वैल्यू बनती है। थोड़ा सा आगे जाके इसको मैं और भी एक्सप्लेन करता हूं, तो उसमें ना इंटायर वैल्यू उसकी तभी आएगी जिसमें डेट भी शामिल होगा और वो इक्विटी वगैरह भी शामिल होगी, तो उसकी इंटायर वैल्यू बन जाएगी, इसलिए हमने इसको कहा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हम इसको करते हैं। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, डेफिनेशन थी फ्री कैश फ्लोज। फ्री कैश फ्लोज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो फ्री कैश फ्लोज दो तरह के होते हैं। नंबर वन, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, एक होता है फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, ये देखें फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म FCFF इसको बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी, फ्री कैश फ्लो फॉर द फॉर इक्विटी, फ्री कैश फ्लो फॉर द इक्विटी, एक इक्विटी के लिए होता है और एक आपके पास जो है वो फर्म का होता है जिसमें कंप्लीट दोनों चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो ये फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म को हम क्या कहते हैं, FCFF को हम कहते हैं एंटिटी वैल्यू, मतलब उस एंटिटी की कंप्लीट वैल्यू, इंटायर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो FCFE है इसको हम कहते हैं इक्विटी वैल्यू, जो उस कंपनी की इक्विटी है उसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू की अगर आप बात करते हैं तो उसको कहते हैं फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। दो चीज़ें आ गई, अब इक्विटी एंटिटी वैल्यू एंड इक्विटी वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंस होता है, वो होता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अगर डेट जो है वो ये डिफरेंस है इक्विटी में और एंटिटी की वैल्यू में, अगर एंटिटी की वैल्यू के अंदर हम इक्विटी और डेट को ऐड कर दें तो इसका मतलब ये कि वो एंटिटी की वैल्यू बन जाती है, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट का डिफरेंस है। मैंने और थोड़ा सा एलैबोरेट किया, एंटिटी की वैल्यू को मैंने मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस कर दिया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इन दोनों को अगर हम मिला दें, इसको और डेट को हम मिला दें, तो आपके पास इक्विटी की एंटिटी की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द सिनेरियो ऑफ फ्री कैश फ्लोज, ये होते हैं
फ्री कैश फ्लो। अब फिर मैंने यहाँ पे एक नोट के तौर पे लिखा है FCFF, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म को किससे करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए कौन सी कॉस्ट यूज करोगे आप, वेटेड एवरेज को, क्योंकि वो कंपनी की कॉस्ट है, इंटायर कंपनी की। उसके अंदर आपके पास इंटरेस्ट भी शामिल है, डेट भी शामिल है, और आपके पास इक्विटी भी शामिल है, तो वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से उसको आप जो है वो डिस्काउंट करोगे। और अगर आपको इक्विटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी फाइंड आउट करना है, तो आपने के ही लेना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये आपने नहीं भूलना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, इक्विटी पे आपने उसको डिस्काउंट करना है, अगर आप सिर्फ इक्विटी की वैल्यू फाइंड आउट कर। ठीक है, चलें, ये दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका फॉर्मूला क्या है और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और इसके इससे ज़्यादा भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला देख लें, ये फॉर्मूला लिखा है VC। यहाँ पे मैंने VC को एक्सप्लेन किया, VC का मतलब है वैल्यू ऑफ द एंटायर कंपनी। हमने डिनोट किया VC को वैल्यू ऑफ एंटायर कंपनी, और ये लिखा है FCF, फ्री कैश फ्लो। ठीक है, और ये लिखा है 1+R का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि आपको मैंने बता दिया है कि वो आपकी इक्विटी और आपका जो टैक्स है, डेट है, उसके मिला के जो एक कॉस्ट हम एवरेज निकालते हैं उसको, क्योंकि हम इंटायर कंपनी की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है। उसके बाद आपके पास आ गया फ्री कैश फ्लो, FCF को फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसके साथ आप वैल्यूएशन करेंगे, एक मॉडल है जिसके साथ आप वैल्यूएशन कर सकते हैं, इंटायर कंपनी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके शेयर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने वाली है, और आपने ध्यान देना इस बात पे, वो ये है कि ये उस वक्त आपके काम आएगा जब आपको एंटायर कंपनी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। मींस आपको कैश फ्लोज दिए गए होंगे, फ्री कैश फ्लोज, और आपको ये जानना होगा, आपको ये मालूम करना है, फाइंड आउट करना है कि आपको जो है क्या फाइंड आउट करना है, कि आपको उस कंपनी की, इंटायर कंपनी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इन केस अगर आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दे दिया जाए, या EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दिया गया हो आपके एग्जाम के अंदर, आपके क्वेश्चन के अंदर, और आपको कहा जाए कि फ्री कैश फ्लो निकालो, उसका मतलब यह है कि आपने उसके फ्री कैश फ्लोज निकालने जो कि अवेलेबल होंगे किसके लिए, डेट होल्डर्स के लिए और इक्विटी होल्डर्स के लिए, जिसको आप दे सकते हो, बाकी सारी चीज़ें उसमें से आपने, जैसे कि यहाँ पे EBIT दिया गया हो आपको, और आपको टैक्स दे दिया गया हो, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपको दे दी गई हो, डेप्रिसिएशन दे दी गई हो, और जो है वो इंटरेस्ट दे दिया गया हो, तो ये आपने उसमें से माइनस करना है, जो बच जाएगा वो आपका फ्री कैश फ्लो होगा। वो होगा कि फ्री कैश फ्लो को फाइंड आउट करना, हम क्या फाइंड आउट करें, फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल फाइंड आउट करें, जिसमें उस कंपनी की, इंटायर कंपनी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैश फ्लोज आपको दिए गए होंगे, फ्री कैश फ्लो, उस पे आपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है, डिस्काउंट रेट को अप्लाई करना है, वेट एवरेज कॉस्ट को अप्लाई करना है, और आपने उस कंपनी की, इंटायर कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, और इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन करूँगा जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है, स्टॉक वैल्यूएशन के चैप्टर में, वो साथ में फ्री वैल्यूएशन क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद पार्ट टू के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिया गया और कहा गया कि फ्री कैश फ्लो फाइंड आउट करो, तो वो किस तरह से करना है, वो फिर मैं आपको माइनस प्लस माइनस जो है वो इंटरेस्ट टैक्स वो बताऊंगा। अभी ये बातें दोनों आपको क्लियर होगी होंगी कि हम इंटायर कंपनी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फ्री कैश फ्लोज को यूज़ करते हुए। ठीक है, और ये है, ये जो मैंने लिखा है VS, VS का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक। अगर आपको सिर्फ कॉमन स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये इंटायर कंपनी की, जब आपको कॉमन स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने VC इंटायर कंपनी की वैल्यू में से डेट को माइनस कर देंगे, और वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और डेट को माइनस कर दें, तो क्या रह जाएगा पीछे, कॉमन स्टॉक रह जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें ही होती हैं ना उसके अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर उसमें मिलकर बनती हैं, तो ये दोनों माइनस हो गई, तो आपके पास ये रह जाएगा। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाता हूँ, वाई FCF यूज़ क्यों यूज़ किया जाता है, मैंने आपको बता दिया कि जब डिविडेंड ना गिवन हो, बड़ी कंपनी हो, आपने उसके एक यूनिट को मेजर करना हो, और वाइडली यूज़ की जाने वाली एक अप्रोच है ये, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें, फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल को। मैं इसके बाद आपको क्या करवाने वाला हूँ, इसका क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इसके दो क्वेश्चन हम करेंगे, जितने भी बुक के अंदर हैं वो सारे ही करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ।